नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रेवा के त्योथर में टमस नदी में अवैध रेत उत्खनन का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अधिकारियों के द्वारा बार बार अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग और कार्रवाई की बात करने के बावजूद माफियाओं के बुलंद हौसले की वजह से अवैध रेत उत्खनन का गोरख धंधा दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रीवा बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने रेत उत्खनन को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप गढ़े। आपको बता दें, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों की बोली लगाई जाती है और पैसों के बदले नियुक्तियां दी जाती हैं। अवैध रेत उत्खनन का यह पूरा का पूरा मामला अधिकारियों और प्रदेश सरकार की सह पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस प्रदेश सरकार में छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े राजनैतिक नेता तक भ्रष्टाचार का गोरख धंधा हाथ पसार चुका है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अवैध रेत उत्खनन को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होने पर भी प्रदेश सरकार और प्रदेश के आला अफसरों पर तंज कसा। पत्रकारों से वार्ता के दौरान रीवा सांसद के साथ ही साथ त्योथर के बीजेपी विधायक श्याम लाल द्विवेदी भी मौजूद रहे। वहीं इस बारे में त्योथर के शासकीय कार्यालयों के औचक निरीक्षण पर आए कलेक्टर महोदय से जब पूछा गया तो कलेक्टर बसंत कुर्रे ने भी उचित कार्रवाई की बात कही है। अधिक जानकारी के लिए देखिए द खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। ये सांसद जी, त्योथर में टमस नदी के तीन घाट है, गंतीरा, ढेढ़र और कुटरा घाट, जहां की हैवी मशीनें लगाकर अवैध रेत का खनन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी त्योथर एसडीएम एसडीओपी सहित पुलिस विभाग को दी जा रही, कार्रवाई नहीं हो रही, तो उस पर क्या करवा रहे हैं आप? देखिए, प्रदेश सरकार ने खुली लूट शुरू की और मुख्यमंत्री से लेकर के साधारण कार्यकर्ता तक दोनों हाथ से लोगों को लूट रहे हैं। उनको ये लगता है कि किस दिन ये सरकार गिरेगी, उसको पहले जितना लूट सको, लूटर बने तो लूटो लागा, तो ये खेल चल रहा है। या और ये बिल्कुल सही है, इसकी जानकारी भी हुई है प्रशासन को, लेकिन अब चूँकि यहाँ अधिकारी बोली पर आए, बोली लगा लगा करके अधिकारियों की नियुक्ति होती है, पैसा दे, कितना बोली, कितना इस पद में जाना है तो कितना पैसा दोगे, और जितना पैसा दे के इस पद दे के अधिकारी आते हैं तो उसकी वसूली तो वो करेंगे ही। तो इस सरकार में इस तरह के काम कोई आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन हम उसको उठाएंगे, विधायक जी भी उठाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि इनको ये उत्खनन और नदी का स्वरूप बिगाड़ने हम लोग नहीं देंगे। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।